यार वलोट वोट हो गए गाइस, आ गया अभी कैनल पर। सेट देखो भाई, ब्लैक पग देखना भाई, कितना टोप लग रहा। और गाइस पीछे देखो भाई, ये रहा मॉन्स्टर। क्लेमे को आगे बैठा देख, पब्लिक का तो भाई अलग ही रिएक्शन है भाई। एक बाइक पर पांच पांच हो गए। जम्मा का मजा छोड़िए दोनों को एक साथ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोकन। और गाइस पीछे सिम्बा रोक्सी को भोग रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, इन दोनों की दोस्ती कैसे करवाऊं, क्योंकि भाई सिम्बा तो पूरी दादागिरी दिखावे इसके ऊपर। ओ भगा दी भाई, देखो नीचे ही सिम्बा मान जा। ओए सिम्बा के बच्चे, इनकी दोस्ती करवाने का तो कुछ सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे दोस्ती करो इनकी, तो और ज्यादा दुश्मनी होती जा रही है। ओए और गाइस डरे भी देखो, इतना ही। हां नौटंकी बाज है। हां क्या हो गया, पूरा नौटंकी बाज है। कुछ कहा उसने तो जाए। सिम्बा कल की बात बताता हूँ, भाई ऐसे ही मस्ती करता कोको के साथ। कोको ने भाई मजाक मजाक में कौन वन से पकड़ लिया, इसने भाई इतनी नौटंकी कर दी लोट लोट का, जैसा पता नहीं क्या हो गया। जब से भाई कोको तो से छेड़ नहीं रही, कोको नु कहती होगी तो नौटंकी को आ जा पिटवा देगा मुझे। अंदर से भाई रोक भी आ गया, इनकी चिल्लम चिल्ली सुन के। रोक्सी बेचारी नु कहती होगी पहले तो कोको पिटता कर दी है, अब भाई सिम्बा आ गया। और गाइस सभी को पता, सिम्बा को मैं रोक्सी का पेयर बनाने के लिए लेकर आया था, बट भाई साल कैसा पेयर बनागा इनका, इनकी तो भाई दुश्मनी होती जा रही दिन पर दिन। अगर किसी के पास भाई कोई आइडिया हो इन दोनों की दोस्ती करवाने का, तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि वैसे भाई इनकी दोस्ती करवाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पिटबुल अमेरिकन बुल्ली की दोस्ती करवाते हुए तो ये डर लगा कि ये आपस में कहीं लड़ बड़ना पड़े और कैसे लड़ने के बाद ग्रिप लग जावे ना इनकी। इनके साथ कोई ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि भाई कोई सा भी अटैक नहीं करने का, ये भोके भोकेंगे बस। तो गाइस अब जाकर थोड़ी शांति हुई, अब भाई ना खाना वगैरह देता हूं। इन दोनों को देखो भाई कैसा आराम से धूप में बैठ गए। इस साइड भाई सिम्बा ने नीचे भगाई दी, ये देखो भाई जाली बिछाई। भाई सिम्बा का वैसे देख पता ना चल रहा होगा, बट भाई काफी बड़ा हो गया। कल भाई मैं उस बैग के साथ ना आपके देख रहा था, जिस बैग में से लेकर आया था ना, उस बैग से तो भाई ये वनों की इतना बड़ा हो गया। अब तो भाई उस बैग में आने का भी नहीं हो, वरना उस दिन तो भाई बैग में ही आ गया था बैठ कर आराम से। देखो भाई अभी बोतल लेगा कोको ने, भाई तुरंत बोतल छीन ली, पसंद कह रही मेरी बोतल है। देखो भाई नीचे से ही बुड़के भरने लगा, तो दिमाग भी तो भाई इसमें पूरा है। बट भाई सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे रोक के साथ लग रही थी, इसकी रोक के साथ भाई इसकी दोस्ती होगी सबसे बड़ी बात यही है। ऐसा ही भाई इसकी चिंटू डोन के साथ दोस्ती है। चिंटू इसके पास बचपन से आवे, इस वजह से भाई चिंटू को भी कुछ नहीं कहता। बट भाई रोक के पास अगर कोई एडल्ट डॉग आ जावे उसे नहीं भाई छोड़ता, खत्म। रख दे पीछे से भी डॉग सुखाना। हां भाई मैं भी नहाता हूं और गाइस कॉलेज में चलता हूं। तो गाइस अभी नहा दोगा ऑल सेट, और गाइस इस साइड से शिवम भी आ ले, बिना नहा दोगा। हां भाई कॉलेज में चलते हैं, बिना नहा दोगे। तो गाइस अभी रास्ते में कॉर्नर भी मिल गया, और गाइस देखो कैसा शेप कर रहा, जिम में आया था, अब सीधे कॉलेज में चलते हैं। तो गाइस आ गया अभी कॉलेज में, करते हैं भाई एग्जामिनेशन फॉर्म जमा। कंपटीशन का वेदर अनु बता, 20 तारीख में। ये क्यों मजाक ले रहा तेरी, जब बॉडी बिल्डर का पीक वीक चल रहा है ना, मतलब कॉम्पिटिशन से 3 या 4 दिन पहले बिल्कुल मुंह ऐसे हो जाए पिचके पिचके से, क्योंकि भाई ने कुछ चल रहा है ना पीक वीक पता नहीं क्या होगा सिस्टम ही ने कहा। क्या हुआ वो, पानी वानी छोड़ दे, वो क्या सिस्टम हुआ है, बस पानी छोड़ दे, अति हो जाता है मसल्स क्लियर हो जा सारी, समझ रहे हो, ब्लीडिंग चल जा, तो मेरी ब्लीडिंग करो, मैं पानी छोड़ दूंगी 2-3 दिन। तो गाइस कॉलेज में सा तो आ गया, और गाइस सिम्बा को देखो भाई अपने घर में छुप रहा, इस मुझे देखा तुरंत छुप गया इसके अंदर, इसे लग रहा कि मैंने ऐसे देखा नहीं। हाँ भाई मुझे देखा छुप गया, आ गया भाई देखो आ गया सिम्बा के अंदर, भाई ऐसा बचपन है जैसे भाई इंसानों के अंदर नहीं होता क्या, समझ रहे हो। रोको देखो भाई यहाँ पे बैठा कैसा धूप सेक रहा, हल्की हल्की धूप आ रही। लो भाई कोको भी आ गई साइड से तुरंत, इन्हें ऐसे धूप सेकने देता हूँ भाई, एक बार लैमी के पास चलता हूँ फिर देखता हूँ भाई आज कहाँ पर जाना। इस आगे लैमी के पास, और कैसे लैमी को देखो भाई सीधा मेरे पास आई, और गाइस सोच रहे आज भाई ये कैनल पर चलते हैं, पिटबुल का कैनल है, बट भाई इसका तो साथ जाने को मन कर रहा। देखो भाई घूम फिरेगा बार बार मेरे पास आ जाए, जाली भाई अब तो बाय बाय। तो गाइस अब सीधा कैनल पर चलते हैं, और गाइस कैनल टाइप ही है ये, मान लो कि देसी कैनल है पिटबुल का। इस अभी रास्ते में देखो भाई कितने मोटे मोटे पिल्ले मिल गए, अरे वाह देखना भाई पिटबुल से बिठा दिए। तो आलिया भाई देखो दोनों आलिया, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, और गाइस पूरे मोटे तकड़े हो रहे, खेत के डोग है ना इस वजह से, हम बिस्कुट वगैरह ले रहे। देखो भाई यार लोट फोट हो गए, सोच रहा भाई अपने बाइक के बैग में थोड़ी बहुत फीड वगैरह रखा करूंगा, अरे तो बाइक के टायर में लोट फोट हो गया भाई, चलो कोई सा साथ मेरी। बट भाई मुझे ये लग रहा कि इन फार्म वालों ने पाल रखी, जब भी भाई इतने मोटे मोटे हो रहे। ऐसे आ गया अभी कैनल पर, गाइस गेट खुलते देखो भाई ये खड़ा, एक तो भाई पिटबुल का मेल, किसी ने तो भाई आते पकड़ लिया होता मैं, क्या बोला तूने। और गाइस इसकी एक आंख देखो भाई कैसी है, इसी साइड भाई लेबर की फिंगर बंद रही। साइड देखो भाई ब्लैक पग देखना भाई कितना टोप लग रहा, साइड ये एक छोटा पप्पी है भाई इसी मेल लगा है, देखो भाई कितने ध्यान से देख रहा है। इसकी क्या एज होगी भाई, 3 साल की बता रहे भाई, 3 साल की होगी, देखना भाई कितनी ज्यादा क्यूट सी है, अरे बुड़काना भर लिए। जिस फीमेल की आंख देखो भाई बिल्कुल ब्लू है, देखना भाई कितना टॉप कलर ले रही है कलर, और गाइस व्हाइट। तो गाइस अभी एक एबीपीटी की फीमेल दिखाते हैं, और गाइस उसे देखो भाई छोटे से पप्पी को इसके पास जाने लग रहा, ये है भाई वो एबीपीटी की फीमेल। वैसे भाई एबीपीटी दिखने में तो देसी से लगा है, बट भाई ये पूरे खूंखार हो गए, क्या बोला तूने। ओ भाई साहब देखो अभी कैसे भाई टूट कर पड़ रही उस साइड को, वो सामने भाई छोटा पप्पी है ना उसके ऊपर एग्रेशन कर दी, भाई नो कह रहे की सीधा लोक मारेगी, खत्म। ये फीमेल भाई सबके साथ लड़े, चाहे भाई यो आ जाओ या फिर भाई छोटी बच्ची हो कोई भी आ जाओ सबके साथ लड़े भाई, एक बार हाथ में आ जाए तो भाई सभी वापिस चलते हैं। और गाइस ये तो बिल्कुल गेट में बांध रखा जिससे की भाई हाथे पड़े। चलो भाई 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 टाटा, जिसका नाम तो पूछना भूल गए, तूफान, जिसका नाम है तूफान, देख भी भाई तूफानी सही रहा बिल्कुल। तो गाइस अभी दोबारा से वहीं पे रुके जहाँ पे भाई छोटे छोटे पप्पी से थे, क्योंकि भाई यहाँ पर 12 है ना, फातिमो धोते हैं। इस बार तो भाई अपनी मम्मी को साथ ले गए, और गाइस इनकी मम्मी वैसे तो पूछ ही ला रही कुछ नहीं कहने की, हाँ भाई ठीक है तू अंगूर खिलाई ना, देखे अंगूर खावेगा। वैसे भाई डॉग को अंगूर तो नहीं खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से, शायद ज्यादा मुझे पता नहीं भाई इस चीज के बारे में, वो तो लेकर भाग गया भाई अंगूर को, पता नहीं भाई खाओगे या फिर क्या करेंगे, वो तो भाई बैठ कर आराम से खा, देखना अरे निकाल दिया। वैसे भाई अंगूर शायद इन डॉग के लिए अच्छे नहीं होते, हम भूल गए थे भाई, इनका नाम को बिस्कुट वगैरह लेना। वैसे भाई उन पिटबुल से ज्यादा अच्छे तो मुझे स्ट्रीट डॉग लग रहे, देखना भाई कितना ज्यादा क्यूट क्यूट से है, उनसे तो भाई डर लग रहा था। ये वाला तो मेरा पक्का दोस्त बनेगा, देखना भाई जब से मेरे पास ही पास है।
दूसरे और गिर गया निकल जा। अभी उन्होंने तो अंगूर खाए नहीं, आप लोग खा लो भाई, बढ़िया लग रहे मीठे। तो गाइस अभी अंगूर खा घर पर चलते हैं, और गाइस अपने डॉग सू मारने चले गए। अभी गाँव में आगे, और गाइस पीछे देखो भाई, ये रहा मॉन्स्टर, क्योंकि भाई ने घर के पास ही है लैमी भी, और भाई लैमी को लेकर जाऊंगे। इस बालों को अपने साथ इस वजह से लेकर जा रहे, क्योंकि भाई एक तो रोग के साथ इसकी दिक्कत बढ़ेगी, कुछ भाई संभलता नहीं है अकेले इंसान पे। और गाइस अगर इसे अपने डॉग के साथ लेकर जा लिए, वे तो भाई पिल्ले लगेंगे, वे तो भाई आधे पैरों में आऊंगे इसके। रोक के साथ तो भाई वैसे भी नहीं घुमा सकते इसे, समझ रहे हो भाई। अभी वापस चलते हैं, देखना भाई कैसे बैठा और गाइस हमें देखा तो पूरा एक्साइटेड हो जाए। चले गए भाई, अब अपने डॉग्स घुमाते हैं। लेमी को देखो भाई कितने ज्यादा एक्साइटेड हो रही घूमने को, और गाइस आज सोच रहे इसकी रोक के साथ रनिंग करवाऊंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गाइस एक्साइटमेंट में जंप देखो भाई कितने कड़े मार रही है, देखने आ रहा हुआ। ये देखो भाई कितने टॉप जंप मार रही, पूरी एक्साइटेड हो रही है, आ रहा हुआ जंप तो ऐसा हमारा जैसा कि भाई स्प्रिंग लग रही है उसके नीचे, देखना भाई आ रहा हुआ। फुर्ती बहुत ज्यादा है इसके अंदर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा भाई, रोक को आसानी से हो रहा था कि हमारे घर तक आगे बैठ के जाओगी, जैसे रोक बैठा ना बाइक पे सेम टू सेम ऐसे बैठ के जाओगी। लेमी को आगे बैठा देख, पब्लिक का तो भाई अलग रिएक्शन है। रस्ते में देखो भाई चिंटू डोन मिलेगा, चिंटू डोन तो भाई के पीछे आ लिया, कह रहा लैमी को कहाँ घुमा रहे सीधा। भाई देखो लैमी को देख रहा, कह रहा तू कौन है, वैसे तो भाई कल मिला था इससे। इस साइड से भाई हमारी रोक्सी भी आ गई, भाई रोक को लेकर आता हूँ नीचे, और भाई फिर ना घुमाने लेकर जाऊंगा। कोको को देखो भाई, या तो पहले एक्साइटेड हो रही जाने को, बट भाई कोको को लेकर जाता, क्योंकि भाई रोक और लैमी की रनिंग करवानी आज। कोको चल ऊपर, तेरी फिर कभी करवाऊंगा। बट भाई एक दिक्कत और होगी, डॉग्स दो हो गए, बाइक एक होगी, कैसे कैसे ले जावे। डॉग्स तो डॉग्स दो इंसान भी हो गए, यो भी हो गया लैमी का ओनर, और भाई सिमी का ओनर भी आ गए। अपने गले में देखो भाई सोना पैर का रहा, लैमी की चैन को सोना बता रहा। अभी जैसे तैसे इन्हें एडजस्ट करता हूँ दोनों डॉग्स को, और गाइस दोनों इन्हें लैमी को तो भाई पीछे बैठा लिया, रोको तो आगे बैठ जाओ। देखना भाई एक बाइक में पांच हो गए, दो डॉग्स हो गए, तीन हम हो गए। वाह क्या सीन है, तभी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे भाई रोज जाओ वहाँ पे नहीं जा रहे, आज भाई थोड़ा लग जाते हैं। वैसे जहाँ तो भाई उस लोकेशन पे भी कहीं पर गए, यहाँ पे भाई कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे जा रहे हैं। यो लेकर जा रहा सिमी का ओनर, यो भाई हर बार ऐसी ऐसी जगह पे लेकर जावे। जब इन दोनों की रनिंग करवाने को उतरे थे, बट भाई रास्ते में विघ्न पे विघ्न आ रहे, इस साइड से तो भाई जोटा बुग्गी आ गई, सामने भाई ट्रैक्टर ट्रोली आने लग रही। तो गाइस अभी फाइनली बुग्गी सब जा ली, बुग्गी साइड को जा ली, ट्रैक्टर भाई वो भी जा लिया। अब भाई थोड़ी देर में रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर भाई इन दोनों की रनिंग करवाओगे। एक दिक्कत और होगी, भाई सामने है डॉग भोग रहे, उस साइड को भाई रनिंग करवाओगे, वो भाई किसी डॉग के पीछे ना भाग जावे। आज तो भाई दिक्कत पे दिक्कत आ रही, एक इन्होंने राड़ और लगा दी। ये देखो भाई कितना कड़ा कड़ा देख रहा हूँ उस साइड को, क्योंकि भाई सामने से डॉग भोग रहे ना कुछ, भाई आज लोकेशन भी चेंज कर रखी। जम्मा का मजब छोड़े दोनों को एक साथ, छोड़ दे। तो भाई से रोक आ रहा भाई, अब तो आगे चल बेटे रोक, आ ले भाई रोक तो बिल्कुल बाइक के पास आ ले, बंदी कर। ओ भाई सामने भाई इंसान देवे ना डर गयो, और भाई रोक तो बिल्कुल चीता हारा भाग दो, आ ले भाई बाइक आगे, लैमी भी आने लग रही भाई उस साइड से। वैसे भाई लैमी की स्पीड पूरी थी, देखना भाई रनिंग के बीच में मुझे ये लगा, जो भाई पीछे से दो इंसान आ रहे थे ना, कि उनका ना कहीं टक्कर लग जाए। रोकी भाई मैं रेगुलर रनिंग करवाता रहूँ ना, इस वजह से भाई जीत गया, वरना भाई लैमी की भी पूरी स्पीड थी। तो गाइस अभी एक और दिक्कत होगी भाई, उस साइड से डॉग देखो भाई कितने सारे आगे, ये देखना भाई पूरी मंडली की मंडली आ गई। रोको देखो भाई कितना कड़ा कड़ा देख रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा भाई उनके पीछे भागने वाला, भाग गया भाई भाग गया। बट भाई वैसे हाथ नहीं लगने वाले, जा ले भाई देखो तो पहले ही सभी रोक को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर काफी सारे डॉग हैं। और गाइस लैमी को देखो भाई कैसे मेरा कंधे पे पैर रख रही, वाह। इसी वजह से भाई मेरे कपड़ों की बैंड बज के, देखना भाई राल कर दी सारे मुकुल। जो ये कच्ची रोड हो ना, ये भाई सबसे बेस्ट हो डॉग की रनिंग करवाने के लिए, इसमें भाई इनके कोई पैर वैर कुछ नहीं छूलते, वरना भाई मैं हमेशा से बताता रहा कभी भाई डॉग की पक्के पर रनिंग नहीं करवानी चाहिए, उनसे भाई इनके पंजे छिल जावे नीचे से, समझ रहे हो। बट भाई आज तो स्ट्रीट डॉग पीछे ही नहीं छोड़ रहे, देखना भाई पीछा करते करते यहीं तक आगे मेरे। रोक बार बार उनकी तरफ को जावे, बट भाई वो भाग जावे, फिर से पता चला कि उनके पीछे भागने का कुछ फायदा नहीं। जब इनके साथ फोटो शूट वगैरह हो रहे थे, और गाइस लैमी ने देखो भाई इसकी कैसे बैंड बजा रखी, आगे नीचे आगे चोट ना मार देता, ये देखना भाई। और लैमी भाई उछल कर बैठने की कोशिश कर रही थी, वैसा भाई लैमी उछल कर नहीं बैठती, जैसे भाई रोक बैठ जावे ना उछल गए, तो गाइस आज इसे उछल कर बैठना सिखाते हैं। अभी ना वापस लेकर चलते हैं, और गाइस रोक के गले में देखो भाई लैमी की संगल डाल रखी। तो गाइस वीडियो के एंडिंग के बाद इन दोनों के साथ ही करता हूं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।